गोरखपुर महोत्सव के कार्यक्रम स्थल पर जिला प्रोविजन कार्यालय के तत्वाधान में मिशन शक्ति के अंतर्गत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विषय पर आधारित स्टॉल लगाए गए, जिसके तहत लोगों को बेटियों की महत्व और उनकी शिक्षा के बारे में नाट्य मंचन और गीतों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जिसके संबंध में जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बेटियां भी समाज में बेटों से कम नहीं है और बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रोविजन अधिकारी सरोजीत सिंह ने कहा, जोरदार तालियां। बच्चों ने अपने इस प्रस्तुति से संदेश दिया है कि बेटियों को ना मारा जाए, क्योंकि एक बेटी को अपनी औलाद को बचाने के लिए एक माँ, एक ऐसी महिला, माँ जी बाबू जी के पास इतने पैसे नहीं है और शादी में ही खर्चे हो गए। ठीक है, कल कह देना लेकर आए वरना ठीक नहीं होगा। आया, बोलो क्या बात है? तुझे कुछ याद भी है? तेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए कहा था, अभी तक नहीं आए। अरे माँ, तुम उसका टेंशन क्यों लेती है? मैं वो पैसा चुटकी में जाकर निकालूंगा। माँ जी, तेरे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं भिजवाए। माँ जी बाबू जी के पास इतने पैसे नहीं हो, कहाँ से देंगे? तेरे बाप का वो जो घर है उसे क्यों नहीं गिरवी रख देता? माँ जी, वो शादी में ही गिरवी रखा गया था। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। विनोद, ओ विनोद। आमा, क्या हुआ? देख तेरी बीवी कैसे मुझे कैंची की तरह जुबान लड़ा रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे माँ से जुबान लड़ाएगी? मुझे माँ जी घर से बाहर मत निकले, मैं माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मत लिखाई, मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, निकाल हमारे घर से। जब तेरा बाप पैसे देगा तभी इस घर में आना, वरना मत आना। निकाल जाओ हमारे घर से। ससुराल से क्यों चली आई? बाबूजी उन लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और बोल रहे हैं जब तक दहेज लेकर के नहीं आओगी तब तक घर में मत आना। ये घर तो पहले से ही गिरवी है, तुम कहो तो ये घर तुमको बेच के पैसे दे दूं। नहीं बाबूजी, मैं मुझे उस घर में जाने की जरूरत भी नहीं, आपको ये घर बेचने की भी जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, ये घर तुम्हारा भी है। मैं सरोजीत सिंह, जिला प्रोविजन अधिकारी गोरखपुर। हमारे विभाग द्वारा, जो महिला कल्याण विभाग है, विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस मेले में एक स्टॉल का लगाया गया है, जिसपे जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं स्टॉल पे बच्चियों और स्कूल की एनजीओ की बच्चियों द्वारा ये हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण संबंधित विषयों पे नृत्य और गायन प्रस्तुत किए जा रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेले में जो लोग आए हुए हैं उनसे इंटरेक्ट होने का प्रयास किया जा रहा है और उनको अपने संदेशों तक, उनको तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं और संवाद के माध्यम से हम लोग अपनी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को, मेले में आए लोगों को दे रहे हैं। हाँ, इन बच्चे, जो बच्चे हमारे यहाँ स्टेज पर प्रोग्राम कर रही हैं, इनको उत्साहवर्धन के रूप में हम इनको प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं और इनको छोटी सी पुरस्कार राशि, पुरस्कार के रूप में सामग्री भी दिया जाएगा।